सर, आजादी के अमृत काल में 75वें साल में नया पार्लियामेंट, न्यू इंडिया, नया भारत, 24 घंटे पहले सर बहुत एक्साइटमेंट थी कि अब एक शाम को लेट इवनिंग को एक कैबिनेट की मीटिंग बहुत सीक्रेसी में, पहले तो किसी को समझ नहीं आया कि ये सेशन बुलाया किसने, क्या पता नहीं इसको इतना छुपा के क्यों रखा। उसके बाद एजेंडा क्या है, एजेंडा किसी को नहीं दिया। उसके बाद लेट इवनिंग कैबिनेट मीटिंग में क्या हुआ किसी को नहीं बताया। व्हाट वाज दिस श्राउड ऑफ सीक्रेसी फॉर। और जब पता लगा कि विमेन बिल आ रहा है, रिजर्वेशन बिल, तो इतनी एक्साइटमेंट देश में सबने वेलकम किया कि 75 साल बाद इवेंचुअली वी आर गेटिंग आवर राइट। द होप्स वर बिल्ट अप टिल देयर ओनली टू बी डैश्ड इन 24 आवर्स बिकॉज इन द डिटेल्स लाइज द डेविल। और वो जो पेपरलेस न्यू पार्लियामेंट में, अब ये कंप्यूटर जो मेरा तो उधर हेडफोन्स भी नहीं काम कर रहा था, सो आई कुडंट हियर एनीथिंग, लीव अलोन रीड इन दिस, व्हेन द डिटेल्स केम आउट दैट दिस रिजर्वेशन बिल इज गोइंग टू कम इन आफ्टर द सेंसस टेक्स प्लेस आफ्टर डिलिमिटेशन। सो सर, 1885 के बाद फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री, जब से ये सेंसस का काम शुरू हुआ है, इट्स द फर्स्ट टाइम द सेंसस हैड बीन डिलेड बाय 2 ईयर्स। How many more years is it going to be delayed by? किसी को आज तक कोई एक्सपायरी डेट नहीं दी है कि इस डेट तक हो जाएगा, हमको नहीं पता। उसके बाद डिलिमिटेशन में कितना टाइम लगेगा वो भी हमको नहीं पता। और उसके बाद रिजर्वेशन बिल आएगा। सो टुडे देयर इज नो फाइनल डेट एज टू व्हेन विमेन विल गेट दैट 33% ऑफ रिजर्वेशन इन दिस हाउस। सो व्हाट वाज द अर्जेंसी टू ब्रिंग इन दिस सेशन एंड टू ब्रिंग इन दिस बिल, जब आपके 2014 और 19 के मैनिफेस्टो में आपने ये 33% रिजर्वेशन ऑर्डर आपने प्रॉमिस किया है, तो 9.5 साल आपको क्यों लग गए इधर लाते हुए? 9.5 साल आप क्या कर रहे थे? और अब आप 6 महीने पहले आप लेके आ रहे हैं ऐसे का बिल जो अगले 5-7 साल तक किसी औरत को उसका हक नहीं मिल सकता। आज आप लड्डू दिखा रहे हैं औरत को, बोल रही है लड्डू आपके लिए है, लेकिन आप इसको खा नहीं सकते, ये यहाँ पे पड़ा हुआ है। तो आप डेट बताइए ना, आप कब तक देंगे? सब कारण ये निशिकांत जी कहते हैं कि 2 साल से सेंसस नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पे पेंडेमिक चल रहा था। तो भैया चाइना ने कैसे कर लिया, यूके ने कैसे कर लिया? आप तो विश्व गुरु हैं, और विश्व गुरु एक सेंसस नहीं करा सकता, इसका जवाब क्यों नहीं देते? ऐसे फालतू के जवाब यहाँ से मिल रहे हैं। 2 साल से सेंसस नहीं हुआ, डिलिमिटेशन का। और यही कारण है सर कि ये जुमलाबाजी हमेशा चलती रहती है। हर सरकार आती है इलेक्शन से पहले ये औरतों के वोट लेने के लिए। मैं तो यही कहूंगी कि इसी कारण करके अब स्टेटिस्टिक्स को आप देखिए, ग्लोबल जेंडर गैप 23 रिपोर्ट कहती है इंडिया इज 127th आउट ऑफ 146 नेशन। भूटान और नेपाल और चाइना से भी पीछे हमारे देश है। कहते 2 साल लग जाएंगे जब तक ये जेंडर इक्वालिटी होगी सर। और सर, क्राइम अगेंस्ट वुमेन, क्यों इस सदन में इस चीजों के बारे क्यों नहीं कभी चर्चा होती है? पिछले 5 साल में क्राइम अगेंस्ट वुमेन 26% बढ़ा है। इसीलिए तो सर मणिपुर में एक औरत के ऊपर ऐसी हरकत होती है और 3 महीने तक सरकार मुंह नहीं खोलती, अखीर में नो कॉन्फिडेंस मोशन करके ही मुंह खोलती है। हरियाणा का मिनिस्टर सेक्सुअल असॉल्ट के लिए अक्यूज है, लेकिन कैबिनेट स्टेटस में अभी एंजॉय कर रहा है। वुमेन रजिस्ट्रर्स जो इतने बड़े बड़े हमारे मेडल लेके आती हैं, महीनों से बैठी हुई हैं, लेकिन बाहुबली अभी तक इधर बैठे। और बिल्किस बानू के रेपिस्ट को तो संस्कारी कह के इनके जो लीडर्स हैं स्टेज पे चढ़ा के उनको मान देते हैं। सो दिस हाउस 306 MPs have criminal cases like love, rape, murder and kidnapping. 45% of them are from the ruling party. ये बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ है, तो बोलना क्या है करते सर? लिटरेसी रेट इन आर कंट्री इज 65%, 20% लोअर, 20% लोअर देन द ग्लोबल एवरेज सर। एंड हेल्थ तो क्या है, इंडिया इज द लास्ट इन द ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स ऑफ हेल्थ एंड सर्वाइवल इंडेक्स, लास्ट आउट ऑफ ऑल द नेशन सर। आपके देश में लॉकडाउन आप घंटों में कर सकते हैं, आप यहाँ पे नोटबंदी घंटों में चुटकी में मार के कर सकते हैं, आप जल्दी जल्दी GST ला सकते हैं, तो ये वुमन रिजर्वेशन बिल क्यों नहीं ला सकते? ये क्यों नहीं ला सकते, इसका जवाब दे कि 9.5 साल से क्यों नहीं लेके आए? और अब जब लाए हैं तो ये अगले इलेक्शन से इम्प्लीमेंट आप क्यों नहीं कर रहे, इसका जवाब दे। बहुत सारा सबर भी हो गया, तो हुण सबर दा फल मिठा जिहड़ा है वह मिठा फल लैण दी वारी है। नीयत साफ होवे तां परमात्मा भी साथ दिंदा है। आ देखो मौसम इस तरह करता है कि क्योंकि जवान बहुत देर दे खड़े ने गर्मी च, ते मौसम भी रब ने भी कहा सच्चे दिलों सारा कुछ काम हो रहा है, तो फिर मैं भी सहायता करना। तो जे सच्चे दिलों चलिए तो परमात्मा भी साथ दिंदा, नीतां नूं मरादां जिवें पंजाबी दी कहावत है।